नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह की वीडियो कैसे बनाएं। दोस्तों मैं इसमें सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आप जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस समय आपका कैमरा नहीं हिलना चाहिए, आपका कैमरा स्टेबल रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐसे वीडियो शूट कर लेनी है। अगर इस तरह की वीडियो शूट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे ट्राईपॉड में मोबाइल को स्टेबल रख देना होगा। इसके बाद आपको ऐसे एक वीडियो शूट कर लेनी है। जिस तरह से मैंने शूट किया उसी तरह से आप कर लेना। आपको दोस्तों दो वीडियो शूट करनी है। पहले वीडियो में दोस्तों आप इस तरह से कपड़ा को रखेंगे और दूसरे वीडियो में दोस्तों आप जहाँ पर आपने कपड़ा रखे हैं उस तरफ उस जगह पर आपको वहाँ खड़ा होना या बैठना है। इतना कुछ होने के बाद आपको करना है एडिट। एडिट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ काइंड मास्टर को, तो आप जल्दी से आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों काइंड मास्टर ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। इसे क्लिक करने के बाद आपको 9x16 वाला रिजोल्यूशन लेना है दोस्तों। तो ये लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपना वीडियो लेके आना है। तो वीडियो लाने के लिए हम मीडिया में क्लिक करेंगे और मीडिया में क्लिक करके दोस्तों अपना वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, ये मुझे यहाँ तक रखना है दोस्तों, इसलिए यहाँ तक हमें इसे ट्रिम कर देना होगा। ट्रिम करने के लिए दोस्तों ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैंची वाले निशान पे जाएंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा वीडियो 19 सेकंड का बना है, तो 19 सेकंड हम नहीं रख सकते हैं, तो हमें ऐसे कहीं कहीं से काट देना होगा दोस्तों। यहाँ से हमें इसे ट्रिम कर देना होगा। इधर लेफ्ट वाला साइड फालतू है तो इसे ट्रिम करके ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे दोस्तों। फिर भी ज़्यादा बड़ा है तो इसे हम स्लो फास्ट कर देंगे। इसे कैंची वाले निशान पे जाएंगे और स्प्लिट एट प्लेड में कर देंगे दोस्तों। ये हमारा वीडियो बीच में कट जाएगा और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हमें स्पीड कर देना होगा। स्पीड करने के लिए दोस्तों स्पीड कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करके इधर इसे कम कर देंगे दोस्तों, तो हमारा वीडियो थोड़ा स्पीड हो जाएगा। और दोस्तों सारे पार्ट को हमें म्यूट कर देना होगा। म्यूट करने के लिए ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जाएंगे और यहाँ से इसे बंद कर देंगे दोस्तों, दोनों वाले पार्ट को कट करने के बाद दोस्तों। अब मेन पॉइंट है ये सेकंड वाला आदमी कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये पैर रख रहा है, तो यहाँ 9.2 पर ये पैर को रख रहा है दोस्तों। इस जगह पर हमें लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमने सेकंड वाला वीडियो शूट किया था उस वाले वीडियो को लेके आएंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला वीडियो। तो इसके बाद दोस्तों ये कैंची के बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट इसमें जाएंगे दोस्तों। इसमें जाने के बाद हमें यहाँ नीचे सबसे नीचे जाना है, तो इस वाले हमें राइट साइड वाला नहीं दोस्तों लेफ्ट साइड वाला हमें ऑप्शन लेना है, तो ये वाला हमें ले लेना है। इतना होने के बाद दोस्तों जैसे ये दिख रहा है तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। आप जितना बड़ा एरिया आपका लगेगा उतना आप इसे ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा वीडियो कुछ ऐसा है, तो ऐसा ठीक है दोस्तों। और इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ट्रिम कर देना होगा जैसे सही लगे। तो नीचे वाले पार्ट को क्लिक करेंगे और कैंची वाला निशान पे जाएंगे दोस्तों और क्लिक करके ये ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। आपका जिधर से सही हो या गलत हो उधर से कट कर दीजिएगा। गलत वाले पार्ट को पैर रखने से पहले आ गया है दोस्तों। अब इसे अच्छे से सही कर लें दोस्तों, मैं करके रखा हुआ हूँ और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा सही है दोस्तों। हम यहाँ लेयर में जाएंगे दोस्तों। लेयर में जाने के बाद हम मीडिया में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करके दोस्तों हम स्काई को लेके आएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा स्काई। तो इस तरह से हमें बड़ा कर लेना होगा जहाँ से हमें हमारा वीडियो में आसमान स्टार्ट होता है उस जगह पर हमें इसे लगा देना होगा दोस्तों। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों इसे हमें इस तरह से फुल कर देना होगा। फुल करने के बाद दोस्तों हम इस वाले पार्ट को क्लिक करेंगे। इमेज है दोस्तों, वीडियो नहीं है। आप गूगल में स्काई लिखिएगा तो आ जाएगा, आप कोई सा भी डाउनलोड कर लेना। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस वाले ऑप्शन में जाके दोस्तों ये थर्ड नंबर पे जो है मल्टीपल जो भी हो उस वाले को हमें चूज कर लेना है। चूज करने के बाद दोस्तों हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऑपेसिटी को हमें थोड़ा सा ऐसे कम कर लेना होगा।
ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कुछ ऐसा हो जाएगा, हम कुछ तो आसमान में कलर चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों अब इस वाले पार्ट को क्लिक करेंगे, इस वाले पार्ट को ये येलो रेड से मिला देते हैं। मिला देने के बाद दोस्तों लेयर में क्लिक करके हम लाइट लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। येलो पार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में लिखना होगा येलो लाइट PNG। तो PNG आपको डाउनलोड करना है जिसका बैकग्राउंड कटा हुआ हो, मतलब सिर्फ लाइट दिखे। तो इस तरह से इसे यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। तो हमारा कुछ वीडियो ऐसा कुछ बना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जैसे आदमी भी आता है और लाइट भी दोनों अच्छा लग रहा है। तो फिर से हमें दोस्तों इस वाले पार्ट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लेयर में जाएंगे, अब मून का PNG हम लगाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही जल्दी से मिल जाता है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो अब इसे डाउनलोड करके लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ लगा देना होगा दोस्तों। अब अपने हिसाब से इसका साइज बड़ा छोटा रख सकते हैं। अब दोस्तों इसका अपोसिटी को हमें थोड़ा सा कम कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम इतना ठीक है, ज़्यादा गायब ना भी ना हो जाए। तो दोस्तों मैं इस लेयर के साथ आपको इसलिए मैच करना कराना चाह रहा था ताकि अब इसके साथ सारा कुछ एक साथ ही आएगा दोस्तों। तो इतना होने के बाद दोस्तों हमें इसे सेव कर लेना होगा और सारे पार्ट को हमें म्यूट कर देना होगा। तो ये शेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे जाके हमें एक्सपोर्ट कर लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब हमें सिंपली बैक आना है, पूरा बैक आ जाना है, इतना बैक दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों फिर से आपको ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9:16 वाला रेशो लेना है। फिर से दोस्तों आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसे लेकर आना है। लाने के लिए मीडिया में क्लिक करके जो आपने एक्सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को लेकर आएंगे दोस्तों। तो हमारा वीडियो कुछ ऐसा है। तो दोस्तों अब जहाँ पर पैर रख रहे हो वहाँ पर से हमें कट लगा देना होगा दोस्तों। कट लगाने के लिए इसे क्लिक करेंगे और कैंची वाला निशान पे जाएंगे और स्प्लिटेड प्लेट में हमें क्लिक कर देना होगा दोस्तों। बस हमारा वीडियो बीच में कट जाएगा। इस वाले पार्ट को स्पीड कंट्रोल आ रहा है दोस्तों, इसे क्लिक करके इसे हल्का सा इसे बढ़ा देंगे, हमारा वीडियो कुछ स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जगह पर हमें एरोप्लेन लगाना होगा दोस्तों। ये लेयर वाले पार्ट को क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना होगा एरोप्लेन ग्रीन स्क्रीन। तो आपको इस तरह से ग्रीन स्क्रीन आपको मिल जाएगा आसानी से। अब इसे ऐसे बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद दोस्तों अब जहाँ से इसे रखना चाहे इस तरह से रख सकते हैं। तो ये लगभग मेरा सही है। अब इसे ग्रीन वाला पार्ट को हटाना होगा, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्रोमा की में जाएंगे दोस्तों और इन्हीं से इनेबल कर देंगे। तो हमारा कुछ हट गया है। ठीक है दोस्तों, हटने के बाद कुछ हमारा वीडियो ऐसा कुछ बना है। तो दोस्तों और अपने हिसाब से कोई सा भी आप साउंड लगा दीजिएगा और आपका वीडियो रेडी हो चुका है। तो इसे आप आसानी से सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए वही इस वाले पार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एडिटिंग के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।